Hello friends, I am Arpana Patkar, B.Sc first year student from autonomous PG college Chhindwara. आज हम सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सेल या कोशिका। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक अजीवित वस्तु, कोई भी अजीवित वस्तु छोटी छोटी परमाणुओं या अणुओं से मिलकर के बनी होती है, वैसे ही कोई जीव छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे हम कोशिका कहते हैं या सेल कहते हैं। सेल शब्द एक लैटिन शब्द सेल्यूला से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा रूम या कंपार्टमेंट। आइए अब हम देखते हैं कि कोशिका जीवों की रचनात्मक इकाई कैसे है। सेल्स मिलकर के टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलकर के एक पूर्ण जीव का निर्माण करते हैं। वैसे ही इससे हम समझ सकते हैं कि जीवधारियों की रचनात्मक इकाई सेल होती है, यानी कोशिका होती है। आइए हम जानते हैं कि सेल कार्यात्मक इकाई कैसे है। किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए कुछ क्रियाएं करनी होती हैं और वो क्रियाएं ऑर्गन्स करते हैं। ऑर्गन्स किससे मिलकर बने होते हैं? टिश्यूज से, और टिश्यूज सेल से मिलकर बने होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेल या कोशिका जीवधारियों की कार्यात्मक इकाई होती है। संभवतः 1658 में स्वैमरडैम वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंढक की आरबीसी का अध्ययन करते दौरान कोशिका का वर्णन किया था। फिर 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के टुकड़े में माइक्रोस्कोप से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना पाई थी, कुछ इस तरह की। जिसके प्रत्येक चैम्बर को उन्होंने सेल नाम दिया। फिर 1839 में प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री श्लीडेन एवं जंतुशास्त्री श्वान ने सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार कोशिका जीवों की संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका उपापचय क्रियाओं की इकाई होती है, क्योंकि जीवन संबंधी सभी क्रियाएं कोशिका में पूर्ण होती है, इसीलिए यह उपापचय क्रियाओं की इकाई होती है। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, ये बात 1855 में रुडोल्फ विर्चोव ने भी कही थी। ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका अर्थ होता है नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। कोशिका आनुवंशिक एकक होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्रक या न्यूक्लियस में जीव का जेनेटिक मटेरियल होता है। जब सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन होता है, तब न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, सीधी सी बात है, जिससे हम समझ सकते हैं कि कोशिका आनुवंशिक एकक या जेनेटिक यूनिट होती है। अब हम बात करते हैं कोशिका के आकार की। तो कोशिका का आकार अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, यानी इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। सामान्यतः ये 0.5 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर के बीच होती है। ऐसे ही इसकी आकृति भी अनिश्चित हो सकती है।